मई 2023 की सुबह नितिन गडकरी जी ने एक क्लोज डोर मीटिंग के अंदर ऑटोमोटिव कंपनीज के सीनियर रिप्रेजेंटेटिव्स को कहा कि आप सभी अपने लेवल पर BS7 व्हीकल मैन्युफैक्चर करने की तैयारी कर लो और उसके लिए रिसर्च चालू कर लो। लास्ट टाइम सरकार को डेडलाइन देनी पड़ी थी, लेकिन इस बार हम चाहते हैं कि आप खुद से तैयार रहें। हाँ, गडकरी जी ने पिछले साल ही कार मेकर्स को BS7 के लिए तैयार रहने के लिए बोल दिया था। वो BS7 जो कि बिल्कुल Euro 7 एमिशन नॉर्म जैसा होगा, जो कि यूरोप में जुलाई 2025 में चालू हो जाएगा। अब गडकरी जी ने तो ये हमारी कंपनीज को बोल दिया कि वो तैयार रहे, लेकिन जिन यूरो 7 नॉर्म्स के तर्ज पे ये BS7 नॉर्म्स बनाए जाएंगे, उन्हीं यूरो 7 नॉर्म्स को लेकर यूरोप के कार मेकर्स के अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा है और वो इसको बहुत ही ज्यादा अपोज कर रहे हैं। BMW के चेयरपर्सन ओलिवर ज़ेप्से ने कहा है कि यूरो 7 नॉर्म्स आर एंटायरली अनफीजिबल, जो कि एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है मेरे हिसाब से। ऐसे ही स्टेलेंटिस के सीईओ कार्लोस तवारिस ने यूरो 7 को यूजलेस बोला है। इटालियन ट्रक जायंट इवेको ने इसे प्लेन स्टूपिड बोला है। वॉल्वो ने कहा है कि प्रैक्टिकली कोई भी लीड टाइम नहीं मिला है इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए। और डाइमलर ट्रक्स के सीईओ ने कहा है कि ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट होने वाली है जिसके लिए हर कंपनी तैयार नहीं है। मतलब पूरी की पूरी ऑटो इंडस्ट्री ही यूरो 7 के खिलाफ खड़ी हुई दिखाई देती है। लेकिन सिर्फ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ही नहीं, यूरोप के खुद के जो बड़े ऑटोमोटिव निर्माता देश है ना, वो भी इसको अपोज कर रहे हैं। इटली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मैटियो सेल्विनी ने ये तक कह दिया है कि यूरो 7 है और ये क्लियरली बहुत ज्यादा गलत है। इटली ने फेलो यूरोपियन देशों का एक ग्रुप तक बना लिया है जो कि यूरो 7 नॉर्म्स के खिलाफ पार्लियामेंट में बोल रहा है यूरोप की। और इटली ने कहा है कि हमारे पास यूरोपियन यूनियन के इतने सारे एलाय देश हैं कि हम यूरो 7 को पूरी तरीके से ब्लॉक कर सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि यूरो 7 नॉर्म्स को लेकर सभी के सभी इतना ज्यादा परेशान क्यों हैं? यूरो नॉर्म्स तो पहले भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, लेकिन आज तक इसे इतना ज्यादा अपोज किसी ने भी नहीं किया है। और जब यूरोप के अंदर इसका ये हाल है, तो जब ये इंडिया के अंदर BS7 के रूप में आएगा तब क्या होगा यहाँ पे? हम इस वीडियो के अंदर इन सभी सवालों का जवाब डिटेल के अंदर ढूंढेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर ये यूरो नॉर्म्स लाए ही क्यों गए थे और ये यूरो 1 से लेकर यूरो 7 तक के सफर में गाड़ियों से होने वाले एमिशंस में कितनी ज्यादा गिरावट आई है। तो यार, ये जो आपके इंटरनल कंबशन इंजन वाली गाड़ियां होती है ना, इनके इंजन के अंदर जब कंबशन होता है इससे आपकी गाड़ी तो चलती ही है। साथ ही साथ इन कंट्रोल्ड कंबशंस की वजह से आपकी गाड़ी की टेल पाइप से बाय प्रोडक्ट के तौर पर एग्जॉस्ट गैसेस भी निकलती हैं, और इन गैसेस के अंदर इंक्लूड होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस। इन गैसेस के साथ आपकी गाड़ी के टेल पाइप से पार्टिकुलेट मैटर्स और टॉक्सिन्स भी निकलते हैं। और इन सब में भी जो सबसे ज्यादा खतरनाक गैस मानी जाती है वो है नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्योंकि इससे ह्यूमंस की रेस्पिरेटरी हेल्थ को बहुत ज्यादा खतरा होता है और इसे कैंसरस भी माना जाता है। ये चीजें इंसानों को पहले से ही पता थी, लेकिन इस पर पहली बार एक्शन लिया गया यूरोपियन यूनियन द्वारा और ऐसे ही स्थापना हुई यूरोपियन एमिशन स्टैंडर्ड्स की। और 1992 में आया यूरोपियन एमिशन स्टैंडर्ड का पहला वर्जन, यानी कि यूरो 1। यूरो 1 में मेजरली चार तरीके के एमिशन पर लगाम लगाई गई, जिसमें पहला था नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और पार्टिकुलेट मैटर। और इन सब में भी जिस पे सबसे ज्यादा नजर रखी गई वो था नाइट्रोजन ऑक्साइड। यूरो 1 में पेट्रोल और डीजल दोनों ही तरीके की गाड़ियों में नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिशंस की जो लिमिट रखी गई थी वो थी 970 मिलीग्राम पर किलोमीटर, यानी कि एक गाड़ी 1 किलोमीटर चलने पर 970 मिलीग्राम से ज्यादा नाइट्रोजन ऑक्साइड के एमिशंस नहीं कर सकती थी। यूरो 1 लगभग 4 साल तक चला और 1996 में यूरो 2 को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, जिसमें कि पेट्रोल और डीजल कार्स के एमिशन लिमिट्स को अलग अलग कर दिया गया, क्योंकि अब तक EU को ये रियलाइज हो गया था कि जो पेट्रोल के एमिशंस हैं उनको कंट्रोल करना डीजल के मुकाबले काफी ज्यादा आसान है। इसीलिए अब जो पेट्रोल कार के एमिशंस की लिमिट थी वो 500 मिलीग्राम पर किलोमीटर कर दी गई और डीजल के लिए ये कर दिया गया 900 mg पर किलोमीटर। फिर बहुत ही जल्दी यानी कि 2001 में ही यूरो 3 भी आ गया, जिसमें पेट्रोल के एमिशंस को बहुत ही ज्यादा घटाकर 150 mg कर दिया गया और डीजल को 500 mg पर किलोमीटर कर दिया गया। ऐसे ही 2006 में अगेन यूरो 4 के अंडर एमिशंस को ड्रास्टिकली गिराया गया और अब पेट्रोल कार्स का एमिशन को 80 मिलीग्राम पर किलोमीटर कर दिया गया और डीजल के लिए ये हो गया 250 मिलीग्राम पर किलोमीटर। फिर 2011 में यूरो 5 आया और इसके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज किया गया। पेट्रोल के नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिशंस में तो थोड़ी ही गिरावट देखने को मिली, यानी कि अब ये 80 से 60 मिलीग्राम पर किलोमीटर तक आ गए थे और जो डीजल के एमिशंस थे वो भी 250 से 180 मिलीग्राम पर किलोमीटर कर दिए गए थे, यानी कि बहुत बड़ा भी फर्क नहीं था। लेकिन जो एक बहुत बड़ा चेंज था वो ये था कि अब पेट्रोल कार्स के पार्टिकुलेट मैटर के एमिशंस को भी रेगुलेट किया जाने लगा यूरो 5 के अंदर। एक्चुअली ये जो डीजल इंजन होते हैं ना, ये पार्टिकुलेट मैटर्स बहुत ही ज्यादा इमिट करते हैं, वहीं जो पेट्रोल इंजन्स होते हैं उनके अंदर इस तरीके के एमिशंस बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। इसीलिए यूरो 4 तक डीजल इंजन्स के लिए PM एमिशंस की जो लिमिट थी वो रखी गई थी, लेकिन पेट्रोल के लिए नहीं थी।
लेकिन लेट 2000s के अंदर पेट्रोल GDI इंजन्स मार्केट में आने लगे, यानी कि वो गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन वाले, जैसे कि VW के पास भी होते हैं जिसे वो TSI इंजन्स बोलते हैं। तो ये जो इंजन्स है इनके अंदर क्या देखा गया कि ये जो है ना ये पार्टिकुलेट मैटर्स काफी ज्यादा एमिट करते हैं, डीजल जितने तो नहीं लेकिन ये भी काफी ज्यादा कर रहे थे, और इसीलिए यूरो 5 एमिशंस के अंदर PM एमिशन की जो लिमिट थी वो पेट्रोल इंजन पर भी लगा दी गई, खासकर GDI इंजन्स के ऊपर। यूरो 5 के बाद आया फादर ऑफ ऑल एमिशन नॉर्म्स यानी कि यूरो 6। यूरो 6 2015 में आ गया था और यूरो 6 के अंदर पेट्रोल की जो एमिशन लिमिट थी वो तो सेम ही रखी गई, यानी कि 60 मिलीग्राम पर किलोमीटर, लेकिन जो डीजल गाड़ियां थी उनके लिए एमिशंस को ड्रास्टिकली गिराया गया, यानी कि अब डीजल गाड़ियां 80 मिलीग्राम पर किलोमीटर से ज्यादा नाइट्रोजन ऑक्साइड के एमिशंस नहीं कर सकती थी, और कार मेकर्स को डीजल एमिशंस इतने कम करने के लिए कुछ नई जुगाड़ लगानी पड़ी, जिसके लिए सिलेक्टिव कैटालिटिक कन्वर्टर को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके अंदर डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड यानी DEF या फिर एड ब्लू को ऐड किया जाता है, ताकि जो टेल पाइप से होने वाले एमिशंस हैं उनको ड्रास्टिकली कम किया जा सके। आपको ये सब सुनने के बाद याद आ रहा होगा कि BS6 फेज 2 के अंदर कई सारी डीजल कार्स के अंदर हमें ये एड ब्लू वगैरह देखने को मिलता है, जो बार बार ऐड करना पड़ता है एमिशंस को कम करने के लिए। अब इसके अलावा जो यूरो 6 के अंदर नई प्रैक्टिस चालू हुई वो थी रियल टाइम ड्राइविंग एमिशंस की। अभी तक क्या होता था कि ये जो एमिशन टेस्ट थे ना वो एक लैब के अंदर हुआ करते थे, लेकिन यूरो 6 के अंदर RDE के आने के बाद अलग अलग एनवायरमेंट्स के अंदर गाड़ी को रियल वर्ल्ड में चलाकर इनके एमिशंस को टेस्ट किया जाने लगा, और ये देखा जाने लगा कि ये गाड़ियां रियल वर्ल्ड के अंदर भी एमिशंस को फॉलो कर पा रही हैं कि नहीं। अब ये तो थी यूरोपियन यूनियन के यूरोनॉर्म्स की कहानी। अगर इसके बारे में हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझें तो हमारे यहाँ पर पाया जाता है भारत स्टेज एमिशंस, जो कि सन 2000 में आया था, यानी कि यूरोनॉर्म्स के 8 साल बाद। BS नॉर्म्स के बारे में हम सब जानते हैं कि ये बिल्कुल यूरो नॉर्म्स की हूबहू कॉपी है, और अभी जो BS6 फेज 2 इंडिया के अंदर चल रहा है उसमें और यूरो 6 में एक रत्ती बराबर भी फर्क नहीं है, सेम है दोनों के दोनों। अब भले ही इन दोनों के बीच में कोई भी फर्क ना हो, लेकिन पिछले 30 सालों के अंदर इनकी वजह से जो गाड़ियों के एमिशंस हैं उनके अंदर बहुत ही ज्यादा बड़ा फर्क देखने को मिला है। आज से 30 साल पहले एक गाड़ी जितना टेल पाइप एमिशन करती थी ना, आज उसके बराबर 10 गाड़ियां चाहिए उतना ही टेल पाइप एमिशन करने के लिए, यानी कि तब की एक गाड़ी ही आज की 10 गाड़ियों जितना बराबर पॉल्यूशन कर दिया करती थी। यूरो एमिशन स्टैंडर्ड्स और भारत एमिशन स्टैंडर्ड्स की वजह से फर्क तो बहुत आया है, लेकिन यूरोपियन यूनियन के लिए ये काफी नहीं है, इसीलिए यूरोपियन यूनियन ने यूरो 7 को इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट बना दिया है कि कार मेकर्स और यूरोपियन देश खुद यूरोपियन यूनियन के खिलाफ खड़े हो गए हैं। लेकिन आखिर एग्जैक्टली उन्होंने ऐसा किया क्या है, चलिए समझते हैं। तो ये जो यूरो 7 है ये 2025 में लागू हो जाएगा, और इसमें जो नाइट्रोजन ऑक्साइड की लिमिट है इस बार वो पेट्रोल और डीजल के लिए सेम कर दी गई है, यानी कि 60 मिलीग्राम पर किलोमीटर, और इससे कार मेकर्स को काफी ज्यादा एतराज था क्योंकि 80 मिलीग्राम पर किलोमीटर लाना ही उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था, और अब 60 पे लाना और भी ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। यूरो 7 में RDE यानी कि रियल वर्ल्ड ड्राइविंग इमिशंस को बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। अब कार्स को बहुत ही ज्यादा ऊंचे पहाड़ी रास्तों पर और बहुत ही ज्यादा कम तापमान वाली जगहों पर भी उतने ही एमिशंस करने होंगे जितना वो नॉर्मल सिटी रोड्स पर करती हैं। और इसी बात पर BMW के चेयरपर्सन ओलिवर जेप्से ने कहा है कि ये बिल्कुल ही अनफीजेबल है। उन्होंने कहा कि आप कितनी ही बार हाई माउंटेन पासेस पर -7 डिग्रीज में फुल थ्रॉटल पर अपनी गाड़ी से ट्रेलर खींचते हैं। इस बात से उनका कहने का मतलब ये था कि यूरो NCAP ने जो रियल ड्राइविंग एमिशन को सबसे ऊंचे पहाड़ों तक के लिए जो कंट्रोल करने के लिए बोला है वो अनफीजेबल है, और उसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि कोई बार बार तो जाता नहीं है पहाड़ों पर, तो अगर गाड़ी हल्का फुल्का एमिशन ज्यादा भी कर देगी तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, उनका कहना ये था। खैर RDE तो एक चीज रही, लेकिन इससे भी बड़ी दिक्कत ये है कि अब यूरो 7 आने के बाद कार्स को एमिशंस को और भी ज्यादा लंबे समय तक कंप्लायंट करना पड़ेगा। यूरो 6 तक क्या था कि जो एमिशन नॉर्म्स गाड़ियों के लिए तय किए गए थे वो उन्हें 5 साल और 1 लाख किलोमीटर तक कंप्लायंट करने होते थे, यानी कि इस ड्यूरेशन तक गाड़ी लिमिटेशन से ज्यादा एमिशंस नहीं कर सकती थी, लेकिन यूरो 7 में ये बढ़ाकर 10 साल और 2 लाख किलोमीटर कर दिया गया है। एंड अगेन इतने लंबे समय तक एमिशंस को कंप्लायंट करवा पाना एक अपने आप में बहुत बड़ा टास्क होने वाला है कार मेकर्स के लिए। तीसरी चीज जो कार मेकर्स की नींद उड़ा रही है वो है कोल्ड स्टार्ट एमिशंस पर कंप्लायंस। एमिशंस को कम करने के लिए कैटालिटिक कन्वर्टर का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है। कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसकी मदद से जो गाड़ी के एमिशंस होते हैं वो कम हो जाते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन इन केमिकल रिएक्शंस के चालू होने के लिए कैटालिटिक कन्वर्टर को 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म होना पड़ता है, जो कि गाड़ी के इंजन की मदद से किया जाता है, और इसके अंदर थोड़ा टाइम लगता है, जिसकी वजह से अगर आप सिर्फ 1 या 2 किलोमीटर तक गाड़ी चलाते हैं यानी कि शॉर्ट डिस्टेंस में गाड़ी चलाते हैं तो आपकी गाड़ी के जो एमिशंस है वो बहुत ही ज्यादा आते हैं। तो इसी को टैकल करने के लिए यूरो 7 में बोला गया था कि कार को ना स्टार्ट होते के साथ ही एमिशन लिमिट रेंज के अंदर आना
करना पड़ेगा, और ऐसा करने का सिर्फ एक ही तरीका है, कैटालिटिक कन्वर्टर को बहुत तेजी से गर्म करना। यानी कि कार मेकर्स को इसे अचीव करने के लिए कैटालिटिक कन्वर्टर पे एक इलेक्ट्रिक हीटर लगाना पड़ेगा, वो भी बहुत ही ज्यादा हाई पावर का, जो कि अगेन अपने आप में ही एक बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग टास्क होने वाला है। अभी तक मैंने जितनी भी चीजें बताई थी वो सुनने में काफी ज्यादा मुश्किल लगती है, लेकिन जो अब मैं बताने जा रहा हूँ उससे ज्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है, क्योंकि यूरो 7 में अब गाड़ियों में OBM लगने वाला है, यानी कि ऑन बोर्ड मॉनिटरिंग सिस्टम, जो कि रियल टाइम में ये चेक करेगा कि आपकी गाड़ी में से कितने एमिशंस हो रहे हैं। इसके लिए एग्जॉस्ट सिस्टम में कई तरीके के सेंसर लगाए जाएंगे जो कि बहुत ज्यादा प्रिसाइज होंगे, और अगर आपकी गाड़ी अप्रूव्ड लिमिट से 2.5 गुना ज्यादा एमिशंस करेगी तो ये OBM आपको कंटिन्यूअसली नोटिफाई कराता रहेगा कि भाई अपनी गाड़ी ठीक करा लो, और अगर आप इसे कंटिन्यूअसली इग्नोर करते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये आपकी गाड़ी चालू ही नहीं होने देगा, यानी कि इसके बाद आपको अपनी गाड़ी ठीक करानी पड़ेगी और वो भी आपको फ्लैट बेड पे लेके जानी पड़ेगी। अच्छा, इन सब के अलावा यूरो 7 में पहली बार नन टेल पाइप पर्टिकुलेट मैटर को भी कंसीडरेशन में लिया जा रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है टायर्स और ब्रेक्स पर। हमारी गाड़ी के जो टायर्स और ब्रेक्स होते हैं ना, इनसे छोटे छोटे पार्टिकुलेट मैटर्स निकलते हैं, जिस पर अब यूरो 7 लगाम लगाने जा रहा है। लेकिन इसको लेकर अभी कोई मेथड तैयार नहीं हुआ है कि इसको कितना लिमिट किया जाएगा या कितना किया जा सकता है, वो अभी ये कंसीडर करेंगे। इंटरनल कंबशन इंजन वाली गाड़ियों के अलावा यूरो 7 में अब पहली बार EVs के ऊपर भी लगाम लगाई जा रही है, और इसमें खासकर उनकी बैटरीज को टारगेट किया जा रहा है। यूरो 7 एमिशन नॉर्म्स के अंडर अब इलेक्ट्रिक कार मेकर्स को ज्यादा ड्यूरेबल बैटरीज प्रोवाइड करानी पड़ेगी अपने बैटरीज को, ताकि ये जो बैटरीज हैं ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिप्लीट ना हो, ज्यादा कम डिप्लीट हो। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक कार्स की जो बैटरीज हैं उनको बनाने में एनवायरनमेंट को बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है, और अगर एक ही गाड़ी की बैटरी बार बार डिप्लीट होती रहेगी तो उससे ऑब्वियसली ये जो नुकसान है वो मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाएगा, और जो इस चैनल को फॉलो करते हैं वो इसको अच्छी तरीके से जानते हैं, मैंने इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिटेल में वीडियो बनाई है। अब ये सब सुनने के बाद आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो यूरो 7 के एमिशन नॉर्म्स हैं ये यूरो 6 के बाद एकदम से बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं, और इसीलिए जो कार मेकर्स हैं वो इसको अपोज कर रहे हैं। कार मेकर्स का कहना ये है कि अगर वो इन सभी एमिशन नॉर्म्स को कंप्लाई करेंगे ना, तो उनकी जो गाड़ियों की डेवलपमेंट कॉस्ट है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि कई तरीके के सेंसर्स, हीटर्स और पता नहीं क्या क्या लगाना पड़ेगा गाड़ियों के अंदर, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में कंज्यूमर्स को गाड़ियों पर 1-2 लाख रुपए ऑन एन एवरेज ज्यादा देना पड़ेगा। और देखने में ये मिल रहा है कि इलेक्ट्रिक कार्स लोग पहले ही नहीं ले रहे हैं, तो इसका रिजल्ट ये होगा कि लोग नई गाड़ियां महंगी होने की वजह से कम लेंगे या लेंगे नहीं, और इलेक्ट्रिक कार्स जो हैं वो पहले ही नहीं ले रहे हैं। इसका मतलब यूरोप के लोग अपनी पुरानी गाड़ियों को ज्यादा दिनों तक होल्ड करेंगे, जिसकी वजह से जो यूरो 7 से उम्मीद की जा रही है यानी कि एमिशन को कम करने की, वो कम ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि नई गाड़ियां सड़क पर आ ही नहीं पाएंगी, पुरानी गाड़ियां ही चलती रहेंगी। साथ ही साथ जब नई गाड़ियां नहीं बिकेंगी तो कंपनीज को भी भारी नुकसान होगा, जिनकी वजह से उन यूरोपियन देशों में जॉब लॉसेस होंगे जहां पर गाड़ियां बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा में बनाई जाती हैं। और इसीलिए फ्रांस, इटली, रोमानिया और पोलैंड जैसे 8 देशों ने मिलकर यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर इसके खिलाफ आवाज उठाई है, और अब EU ने इसको रीथिंक करने का सोचा है और इसको थोड़ा लीनियंट बनाने का भी फैसला किया है, जिसमें शायद से उन्होंने जो डीजल की लिमिट थी वो 60 से फिर से 80 मिलीग्राम पर किलोमीटर तो कर दी है, लेकिन बाकी किसी भी चीज पर अभी विचार नहीं किया गया, और आगे देखने की बात रहेगी कि क्या होने वाला है आगे। यूरोप के बाद अगर हम इंडियंस की बात करें तो ये इमिशन नॉर्म्स यूरोप के बाद इंडियंस के लिए और भी ज्यादा पेनफुल होने वाले हैं। हमारे यहाँ पर कार्स पे टैक्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, और यूरो 7 पर बेस्ड BS7 आने के बाद जो हमारे यहाँ पे गाड़ियों की कीमतें हैं वो 1.5-2 लाख और भी ज्यादा बढ़ सकती है, और मजबूरी में हम लोगों को महंगी गाड़ियां लेनी पड़ेगी, क्योंकि अनलाइक फॉरेन कंट्रीज हम अपनी गाड़ियां 15 साल से ज्यादा होल्ड कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे देश में 15 साल से पुरानी गाड़ियों पर बैन लगने की उम्मीद है। देखो दिल्ली और हरियाणा में तो ये ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन पूरे देश को लेकर ही ऐसी बातें सुनने में आ रही है कि ऐसा हो सकता है। यानी कि यूरोप के लोगों के पास तो ये मौका है कि वो अपनी गाड़ी 20-30 साल तक चला सकते हैं, क्योंकि वहां अभी ऐसा कोई खास रूल है नहीं, लेकिन हमारे को तो गाड़ियां जबरदस्ती बेचनी ही पड़ेंगी और नई गाड़ी लेनी पड़ेगी, वो भी महंगी। इसके अलावा मेरे ख्याल में BS7 डीजल कार्स के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होने वाला है, और जो ब्रांड्स जैसे कि टोयोटा और महिंद्रा डीजल कार्स को सबसे ज्यादा बनाते हैं, इनके लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। इनकी जो लाइनअप है ना, उसमें डीजल कार्स कुछ ज्यादा ही है, इनको पेट्रोल कार्स पे अब ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और अगर मैं अपनी सरकार की बात करूं तो मुझे एक नाराजगी ये रहती है कि हाइब्रिड कार्स जिन पर हमें इंसेंटिव मिलना चाहिए उन पर सबसे ज्यादा टैक्स लगाया जाता है, पता नहीं क्यों। वहीं पर जो यूरोप है वहां पर तो कई देश ऐसे हैं जहां पर कम एमिशन करने वाली जो गाड़ियां हैं उनको टोल्स पर कंसेशन तक मिलता है। खैर देखो, अभी यूरो 7 आने में टाइम है, और जो BS7 है वो उसके थोड़े दिनों बाद ही आएगा, और बहुत ज्यादा चांसेस ये है कि नितिन गडकरी कार मेकर्स के साथ बैठ कर डिसाइड करेंगे कि इसको किस रूप में लाना है या फिर कितने ज्यादा छूट इसमें दी जा सकती है। ऐसा बोला जा रहा है लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। पर तब तक मेरी एक राय मान लो, अगर आप नई गाड़ी लेने वाले हो तो कोशिश करो पेट्रोल गाड़ी लेने की, हाइब्रिड लेने की या फिर CNG लेने की।
हाँ, अगर ईवीज आपके लिए सूटेबल हैं तो आप वो भी ले सकते हो, लेकिन डीजल गाड़ियों से थोड़ी सी दूरी बनाना चालू कर दो, क्योंकि आने वाला वक्त सबसे ज्यादा मुश्किल इन्हीं के लिए होने वाला है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में आप इस वीडियो के बारे में अपने विचार भी छोड़िए। थैंक यू।